हेलो एवरीवन, सॉलिड फ्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं। दरअसल सॉलिड फ्यूल्स जो होता है वो दो कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं, प्राइमरी फ्यूल्स और जो सेकेंडरी फ्यूल्स। तो जो प्राइमरी फ्यूल्स होता है, प्राइमरी फ्यूल्स में सबसे पहले होता है बोट। तो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं, इजली अवेलेबलिटी जो जिसकी रहती है वो बोट की रहती है। इम्पॉर्टेंट जो इसके कंपोजिशन या कॉन्स्टेंट होते हैं बोट का, वो होता है लूज होता है फाइबर में और इजी होता है स्टर्न, ठीक है। और ऑन बर्निंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इट गिव्स एस एंड कैलोरीफिक वैल्यू, वेरीज विद इट्स टाइप ऑफ एंड मॉइस्चर कंटेंट। डिपेंड करता है कि बर्निंग की तरफ हम जाते हैं, जब वुड के लकड़ी जो होती है इसको बर्न करने के लिए जाते हैं तो कुछ उसमें जो मिलता है हमें एस के रूप में मिलता है, जो कुछ एस मिलते हैं और कुछ कैलोरीफिक वैल्यू कंटेंट होते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वेरी करती है और सब मॉइस्चर कंटेंट भी होते हैं। इग्नाइट जब करते हैं इसको तो इजली बर्न होता है, अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अचीव करता है तो ये बर्न हो जाता है। एंड इट यूज फॉर द जो है हमारा जो है इग्निशन के फ्यूल्स को बर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सेकेंड जो हमारा आता है वो है पिट है। पिट जो होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डीके द वेजिटेबल एंड इट ऑल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड रिक्वायर्स ड्यूरिंग द इन सेम एंड इट इज अ फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल इन फॉर्म वुड। नोट, आप ये कर सकते हैं कि जो यूरोप जो है ना, इन यूरोप यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एंड इन रशिया इट इज यूज फॉर द पावर जनरेशन। बेसिकली ये कोल्स के जो सॉलिड फ्यूल्स होता है वो कोल के क्लासिफिकेशन है। बेसिकली जो हमारा कोल है, पिट है, पहला स्टेज ऑफ फॉर्मेशन है, फूड का फॉर्मेशन है और ये डोमेस्टिक फ्यूल्स होते हैं और रसिया में इसका जो है पावर जनरेशन के रूप में इसका यूज होता है। तो उसके बाद लिग्नाइट आता है। तो लिग्नाइट को हम ये बोलते हैं कि जो हमारा पिट है उससे उसके थ्रू जो है ट्रांसफॉर्म होकर लिग्नाइट बनाया है और इसको हम लोग कलर एंड ऑल्सो नोन एज ए ब्राउन कोल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका हम ज़्यादा यूज जो है ग्रेड फ्यूल, लो ग्रेड फ्यूल के रूप में करते हैं, लो ग्रेड फ्यूल के रूप में करते हैं, ठीक है। तो लिग्नाइट जो होता है वुड होता है, वुड से जो बनता है वो पिट होता है, पिट से जो बनता है वो हमारा लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट के बाद हमारा क्या होता है, बिटुमिनस होता है। तो बिटुमिनस इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द लिग्नाइट, ठीक है। तो इट हैज साइनिंग ब्लॉक अपीयरेंस होता है एंड इट इग्नाइट्स इजली एंड बर्न्स विद लॉन्ग येलो एंड स्मोकी फ्लेम, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। आफ्टर डैट आपका एंथ्रासाइट है। तो एंथ्रासाइट के बारे में अगर हम देखते हैं तो एंथ्रासाइट जो हमारा होता है उसमें ये जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म होता है बिटुमिनस कोल से और ये हार्ड होता है, इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल एंड शेयर इन द पेपरियंस, इट इज़ डिफिकल्ट टू लिग्नाइट एंड दिस कोल हैज़ मिनिमम एस एंड मॉइस्चर कंटेंट, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी यूजुअल एंड इट्स इट हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कंपेरिजन ऑफ अदर सम अदर्स जो फ्यूल्स हैं उसमें। उस केस में देखा जाए तो ये हमारे जो एंथ्रासाइट हैं उसमें सबसे बेस्ट कोल होता है, जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है और इट इज़ हार्ड ब्रिटल एंड लस्टर एंड अपीयरेंस एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड दिस कोल हैज मिनिमम एस एंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाईएस्ट एंड सुटेबल फॉर द स्टीम जनरेशन। कैलोरीफिक वैल्यू जो मेन चीज़ है, जो सी वी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है, जिसकी वजह से बेस्ट होता है एंड सुटेबल फॉर द स्टीम जनरेशन, पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है। सम कंबंशन इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट, हाइड्रोजन H2 होता है, 2 इसका मॉलिकुलर वेट होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा O2 होता है, 32 इसका मॉलिकुलर वेट होता है, 16 जो है एटॉमिक नंबर होता है तो 16 × 32 होता है। नाइट्रोजन N2 होता है, 28 होता है मॉलिकुलर वेट। सल्फ़र आता है, सल्फ़र में सल्फ़र का 32 है। मार्स गैस जो है हमारा CH4, जिसे मार्स का मेथेन को मार्स गैस बोलते हैं, तो मार्स गैस है तो मार्स गैस में 16 है, ठीक है। 12 प्लस 4 16 हो जाता है एंड एथेन आ जाता है, फिर C2H6 30
कार्बन का जो सिंगल एलिमेंट है वो है हमारा टॉप 12 एंड H2O 18 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 28, कार्बन डाइऑक्साइड 44 एंड सल्फर डाइऑक्साइड 64। एयर की अगर हम बात करते हैं तो एयर में क्या होता है, मास बेसिस पे एंड वॉल्यूम बेसिस पे जो है O2 23.3% होता है और O2 जो होता है 21% होता है, N2 76.7% एंड N2 जो होता है 79%। तो ये हमारा जो है कम्बसन इक्वेशन है। अभी कम्बसन ऑफ हाइड्रोजन का अगर हम देखते हैं तो 2H2O प्लस O2 जो कुछ 2H2 मिलता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। इस टाइम इट मीट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्टीम और वाटर। ठीक है, इट मीन्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड विथ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और स्टीम। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ H2 एंड वन वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल्स टू टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड स्टीम होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ बाई मास आर ऑब्टेंड बाई यूजिंग एटोमिक वेट। तो हियर अगर हम देखते हैं कि 2 × 2 एटॉमिक वेट होता है 2 × 1 × 1 × 2 तो सिमिलरली जब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखते हैं कि 36 × 36 है। तो 1 kg ऑफ H2 प्लस 8 kg ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 9 kg ऑफ H2O। इफ नाइट्रोजन इज कॉन्सिडर्ड देन 2H2 प्लस O2 7 × 9 × 21 × 2 = 1। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास अगर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 2 × 2 = 1 + 2 × 16 + 17 = 2। मतलब 4 kg ऑफ H2 प्लस 32 kg ऑफ O2 प्लस 105.33 kg ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 36 kg ऑफ H2 एंड 105.33 kg ऑफ N2। ये हमारा इक्वेशन जनरेट होके आ जाता है इनकेस ऑफ हाइड्रोजन के केस में। ये हमारा इक्वेशन जनरेट होके आ जाता है, राइट। तो कंप्लीट कम्बसन अब अगर हम कार्बन की देखते हैं तो कंप्लीट कम्बसन अगर देखें तो क्या होगा, सी प्लस O2 बराबर CO2। तो वॉल्यूम एक्सिस वॉल्यूम बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल्स टू 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 होता है। ठीक है, 1 वॉल्यूम फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल्स टू 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 होता है, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 होता है। मास बेसिस पे अगर देखते हैं 12 kg ऑफ सी कार्बन प्लस 32 kg ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 44 kg ऑफ CO2। तो 1 kg ऑफ कार्बन अगर रहता है और 8/3 kg ऑफ ऑक्सीजन तो हमारा कितना बनता है 11/3 kg ऑफ CO2। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑफ होता है कार्बन का, सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल इन द कंपेरिजन विद द गैस। ठीक है, राइट। कंक्लूजन्स की अगर हम कंसिडर N2 अगर हम N2 को देखते हैं तो जब हम N2 को देख रहे हैं तो सी प्लस O2 बराबर प्लस 79/21 N2 = CO2 + 79 × 21 N2 हो जाएगा। तो हमारा जो ओ वॉल्यूम होगा एंड 1 वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करने का जो हमारा इक्वेशन निकल के आ जाता है वो इक्वेशन निकल के आता है ना, इनकम्प्लीट कम्बसन भी होता है जैसे 2C + O2 = 2CO होता है, 1 kg ऑफ कार्बन एंड 4/3 kg ऑफ O2 = 7/3 kg ऑफ CO2। तो ये चीज़ भी है। नाउ थ्योरेटिकल एयर की बात करेंगे हम, जो थ्योरेटिकल एयर एंड एक्सेस एयर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर डैट सप्लाई द सफिशियंट ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ ऑल द कार्बन हाइड्रोजन एंड एनी अदर्स एलिमेंट्स इन फ्यूल डेट मे ऑक्साइड इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल एयर। फिर से देखिए कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर डेट सप्लाई सफिशियंट ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ ऑल द कार्बन हाइड्रोजन इट इज मे एनी अदर एलिमेंट इन फ्यूल डेट मे ऑक्साइड इज कॉल्ड द थियोटिकल एयर एंड वेन द कम्प्लीट कम्बसन इज अचीव्ड विद द थियोटिकल एयर द प्रोडक्ट कंटेन नो ऑक्सीजन। वेन कम्प्लीट कम्बसन इज अचीव्ड विद थियोटिकल एयर द कम्प्लीट द प्रोडक्ट कंटेन्स नो ऑक्सीजन।
एक्सेस एयर का मतलब क्या होता है? एक्सेस एयर द अमाउंट ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. एक्सेस एयर द अमाउंट ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या एक्सेस एयर. द एक्सेस एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड ओवर एंड अबव द थियोरटिकल एयर. सो 150% थियोरटिकल एयर इज इक्विवेलेंट टू द 50% एक्सेस एयर. फॉर एग्जाम्पल द कम्प्लीट कंबंशन ऑफ मेथेन विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ थियोरटिकल एयर एंड 150% थियोरटिकल एयर रिस्पेक्टिवली विद द रिटन एज. तो CH4 plus O2 plus CO2 plus 2H2O and CH4 plus O2 and 36 1 kg. ये जो चीज़ है उसको डिस्कस थोड़ा दिख नहीं रहा ब्राइटनेस की वजह से. नाउ द मैक मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो. क्या होता है? इट इज़ ए केमिकल करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल इज वन दैट कंटेन्स जस्ट सफिशियंट ऑक्सीजन फॉर कम्प्लीट कंबंशन ऑफ द फ्यूल. ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है कि इतना सफिशियंट एयर या एनफ एयर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से कंप्लीट फ्यूल की जो है बर्निंग हो जाती है, वो हमारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होता है, मिक्सचर होता है. अब क्या होता है कि जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर है, जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है, स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर जो होता है वो सफिशेंट ऑक्सीजन होता है कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स. इसमें दो चीज़ें होती हैं, वीक मिक्सचर और लीन मिक्सचर. वीक मिक्सचर को लीन मिक्सचर कहते हैं. इट इज़ वन विच हैज़ लेस एक्सेस एयर. ठीक है, एन एक्सेस एयर, सॉरी. वीक मिक्सचर और लीन मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें एयर जो होता है वो क्या होता है, मोर होता है, एक्सेस एयर होता है. देन रिच मिक्सचर, रिच मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ वन विच हैज़ अ डिफिशियंसी ऑफ एयर एंड द परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर इज गिवन एज एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो माइनस स्टोइकोमेट्री एयर फ्यूल रेशियो अपॉन स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो. है ना? ठीक है, जितना हमारा एक्चुअल एयर चाहिए उसमें से हम इस रेशियो को माइनस कर देंगे. द रेशियो आर एक्सप्रेस एज फॉलो फॉर गैसियस फ्यूल बाई वॉल्यूम, तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स बाई मास. एनालिसिस ऑफ एग्जास्ट एंड फ्लो गैसेस ओरेस्ट पार्टस है. आप देख सकते हैं कि एग्जास्ट गैसेस है यहाँ से इंडेट हो रही हैं. थ्री वे है हमारे पास, वन दिस, और यहाँ पे जो है हमारा सी ओ ऑब्जॉर्व होगा, यहाँ पे O2 ऑब्जॉर्व होगा, यहाँ पे CO2 ऑब्जॉर्व होगा. तो ठीक है, तो ये है जो चीज़ें, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, पायरोगैलॉन है, एंड KOH है. तो KOH होता है एब्जॉर्व करता है CO2 को, ये O2 को और ये CO को. तो और इस तरीके से हमारा जो हमारा और सट वर्ड है वो वर्क कर रहा होता है. ठीक है, आप ग्राफ को देख लीजिए, ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये स्नैपशॉट ले लीजिए. ओके, तो आगे बढ़ेंगे. तो एनालिसिस ऑफ फ्यूल्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस करें. एनालिसिस ऑफ फ्यूल्स की बात करें अगर, तो हम दो तरीके से डिस्कस करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट और एक अल्टीमेट. तो यहाँ पे दो रीजन होते हैं सुपर हिट. अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस होता है उसमें दिस कैरिड आउट टू डिटरमाइन कोल बिहेवियर
व्हेन हीटेड एंड इट गिव्स द परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन वोलेटाइल मैटर्स एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड इट्स कंटेंट्स। ये इसको इस चीज़ का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और जो मॉइस्चर, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट में क्या होता है कि अगर 1 ग्राम सैंपल ऑफ कॉयल कोल है इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 105 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के लिए अगर 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 1 ग्राम कोल को अगर गर्म करते हैं तो देखते हैं कि द लेस इन वेट गिव द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फ्लूड। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है हमारा, इवेपोरेट होता है। देन वोलेटाइल मैटर क्या होता है, वोलेटाइल होता है क्या, वोलेटाइल मैटर ये होता है कि 1 ग्राम अगर हम सैंपल ऑफ कोल लेते हैं और इस प्लेस्ड इन द कवर्ड प्लेटिनम क्रूसिबल एंड हीटेड टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर अबाउट 7 मिनट, देर इज ए लॉस इन वेट ड्यू टू द वेपराइजेशन ऑफ मॉइस्चर। सो द वोलेटाइल मैटर की बात करेंगे, टोटल लॉस इन वेट माइनस मॉइस्चर कंटेंट, टोटल लॉस इन वेट माइनस मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये चीज़ होता है एस कंटेंट क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कोल इज अनकवर्ड क्रूसिबल इज हीट टू टेम्परेचर ऑफ अबाउट 720 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल द कोल कम्प्लीटली बर्न, दिस इंश्योर डैट देयर इज ओनली एस रिमेनिंग इन द क्रूसिबल। फिक्स्ड कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो फिक्स कार्बन इज इक्वल टू 100% बाय मास ऑफ कोल माइनस मॉइस्चर कंटेंट प्लस वोलेटाइल मैटर प्लस एसेंट कंटेंट। कोल पर बराबर होता है 100% मास सी प्लस वोलेटाइल मैटर कार्बन प्लस वोलेटाइल मैटर प्लस मॉइस्चर कंटेंट। तो इस तरीके से माय डियर हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस को हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आप इसको यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है जो गिव्स करता है 100% ऑफ ईच एलिमेंट केमिकल एलिमेंट इन ईच इन कोल अलॉन्ग विथ एस एंड मॉइस्चर। द एनालिसिस गिव्स द फॉलोइंग कंपोनेंट इन ऑन मास बेसिस, सी प्लस एस टू प्लस सल्फर कार्बन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉइस्चर कंटेंट एस कंटेंट बराबर 100% बाई मास। तो कार्बन हाइड्रोजन सल्फर ये सब चीज़ें 100% बाई मास। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है या हीटिंग वैल्यू जिसे बोलते हैं, देर आर टू कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं, एक होता है लोअर एक होता है हायर। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑल द फ्यूल्स कंटेनिंग द हाइड्रोजन प्रोसीजर वाटर वेपर ड्यूरिंग कंबंसन इफ दिस प्रोडक्ट ऑफ कंबंसन आर कूल टू द रूम टेम्परेचर द वाटर वेपर विल कंडेंस इवॉल्विंग इट्स क्रिएटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पर केजी ऑफ फ्यूल। दिस इज द हीट इज नॉट एज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कूलिंग ऑफ फ्यूल गैसेस टू रूम टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन द मॉइस्ट मोस्ट कंबंसन प्रोसेस, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर गैसेस वेस्ट अराउंड अकॉर्डिंगली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और अज्यूम डैट वाटर वेपर वाटर एंड वेपर फॉर्म ड्यूरिंग द कंबंसन लीव्स और एज वेपर। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट कैरिड बाई अवे बाई वाटर वेपर फॉर्म पर के जी ऑफ फ्यूल बॉन्ड। मीन्स एल सी वी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस एम इंटू एच एफ जी। तो एच एफ जी इज इक्वल्स टू एच जी एल एच एफ वेयर एच एफ जी इक्वल्स टू 2395 के जी पर किलो। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन किए हुए हैं, ठीक है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल एनर्जी, नहीं यू कैन नोट इट डाउन हायर कैलोरीफिक वैल्यू हायर और लोअर के बारे में आप इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और हाई कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई। कैसे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को हम निकालते हैं वैल्यू को, इसी को हम लोग हीटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो
होप सो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के, राइट? ठीक है, नेक्स्ट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.